नमस्कार दोस्तों, पी के सुपर क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों बात करें उन्नताधर शिक्षक भर्ती में, और यहाँ पे बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि उन्नताधर शिक्षक भर्ती पे यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे सरकार का सख्त कदम उठाया जा रहा है। जैसा कि न्यूज मिल रही है BSA द्वारा कि डबल बेंच में जाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सरकार जो है डबल बेंच में जाएगी। हो सकता है कल जो है यहाँ पे केस कर दिया जाए, रिट जो है डबल बेंच में डाली जा सके। सरकार की साजिश तो नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की साजिश है कि पहले इसको जो है हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाए, उसके बाद जो है आगे वैकेंसी खींचा जाए। तो ऐसी बात कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो ऐसी सरकार की कोई भी साजिश नहीं। सरकार ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द वैकेंसी हो, लेकिन गलत तरीके से वैकेंसी या तो गलत उत्तरों के कारण जो है जो कैंडिडेट रह गए थे एक दो नंबरों से, उन्होंने केस किया था। आपको पता होगा कि 4 क्वेश्चनों पे जो है यहाँ पे हाई कोर्ट ने आज जो है रिजर्व किया था आर्डर, और फाइनली जो है उन्होंने आर्डर दे दिया है, इस पर स्टे लगा दिया गया है। अब जो है उन क्वेश्चनों पे है समीक्षा की जाएगी, क्वेश्चन का उत्तर क्या निकलता है उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे क्या होगा, जानिए आगे क्या होगा। तो फाइनली दोस्तों इसमें आगे यही होगा कि उन 4 क्वेश्चनों पे जो है सरकार द्वारा जो है इस पर जो है समिति बैठेगी, जो भी समिति का निर्णय होगा कि इन क्वेश्चनों का क्या आंसर होगा, उसके बाद जो है फाइनल, जहाँ तक लगता है मुझे कि डबल बेंच में भी जो है कैंडिडेट के साथ जो है यहाँ पे हाई कोर्ट रहेगा। और यहाँ पे डबल बेंच में जो सरकार क्या दलील पेश करती है, क्या क्या जो है आंसर की में जो सरकार द्वारा यानी PNB द्वारा जो आंसर की दिया गया है BSA द्वारा, तो वहाँ पे क्या वो वहाँ पे उत्तर देते हैं, और अपने अपने जो है वहाँ पे प्रोफेसर द्वारा क्या आंसर दिया जाता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे डबल बेंच में सरकार जाने की जो जहाँ पे न्यूज़ मिली दोस्तों, ये 100% सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सरकार जो है डबल बेंच में जाएगी, यानी कि जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसके अगेंस्ट जो है सरकार जाएगी। सिंगल बेंच का आर्डर जो है फाइनली कैंडिडेट के पक्ष में आया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो जितने भी इस पर जो है केस हुआ उन्नताधर शिक्षक भर्ती में, उसको फाइनल करने के बाद ही इस शिक्षक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों आप इसमें क्या चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार से उन्नताधर शिक्षक भर्ती से आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।